सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। सो गाइस, आज एक और नया अपडेट आया है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल फोबी इंजीनियर्स पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नए लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है वो रिक्रूटमेंट है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। रिक्रूटमेंट है, एक मिनी रत्न कंपनी है, और मिनी रत्न कंपनी है इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको एग्जाम्स वगैरह देने पड़ेंगे, और काफी अच्छे लेवल के एग्जाम्स आपको देने होंगे। जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, मैं आपको जो काफी सारे जॉब निकले हुए हैं इनके तरफ से, रिक्रूटमेंट काफी सारी निकली, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आपने पढ़ाई कर रखा है बीएससी एमएससी, उन सबके लिए रिक्रूटमेंट है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरली ये जो रिक्रूटमेंट है, खासकर जो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए मेन है। बीटेक मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जॉब, यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बीटेक मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है, बट डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे जॉब जरूर है, हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो, कैरियर सेक्शन में जाओगे ना तो कैरियर सेक्शन में आपको ये दिखेगा। 7 तारीख से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है इनके वेबसाइट पे। अभी तक अप्लाई करने का कोई वो नहीं दिया गया, ना ही लास्ट डेट बताया गया है, तो फिलहाल बस एक प्री नोटिफिकेशन इनके तरफ से दिया गया है कि ये जॉब आने वाला है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ऊपर डेट वेट आगे पीछे करने की वजह से इन्होंने अभी तक अप्लाई लिंक का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करके यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, तो मैंने ये इनका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया है, और आप देख सकते हो ये इसका टेबल है, जो रिक्रूटमेंट टेबल, यहाँ पे अलग अलग काफी सारे पोस्ट हैं उनके लिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। बट अब अपन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे काम की चीजें हैं, हम उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग असिस्टेंट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आपने किया है, हॉर्टिकल्चर किया है, बीएससी वाले अगर आपके कोई जान पहचान के हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स, उनको ये वीडियो जरूर आप सजेस्ट करें, ताकि वो लिंक के थ्रू अपने डिटेल वगैरह यहाँ पे देख सके। जनरली हम यहाँ पे बात करने वाले बीएससी वगैरह नहीं, हम बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड की ही बात करेंगे, जो भी जॉब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेज से कर रखा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक्चुअली जॉब है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री अगर आपने कर रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज से, तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, मतलब एमबीए अगर आपने कर रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज से, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। और हाँ, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास जरूर, एक्चुअली जितनी जॉब ये निकली है ना यहाँ पे हर जगह ये कंप्यूटर एमएस ऑफिस का कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, और वो आप 1 महीने की ट्रेनिंग होती है किसी भी कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। अदरवाइज आप तो समझदार हो, कैसे सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। आगे देखा जाए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक और पोस्ट है जिसमें बी बीटेक अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर रखा है 60% से मार्क्स से ज्यादा है, और आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज है जिसके लिए मैंडेटरी बोला गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक सिविल इंजीनियर वाले भी इस पर एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है गाइस, तो आप ये टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाकर आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए 1 पोस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए 4 पोस्ट है, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, आप डिटेल में आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अपन और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग है, नेक्स्ट जो पोस्ट के बारे में हम डिस्कस, एमएससी वगैरह, एमकॉम, एमबीए वाले वगैरह लोग भी भर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग की यहाँ जो पोस्ट निकली है, 3 साल फुल टाइम डिप्लोमा अगर आपने एग्रीकल्चर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, 55% ज्यादा मार्क्स हैं, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, एमएस ऑफिस का नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट निकला है, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीएससी वाला यहाँ पे दे रखा गया है, और ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रेजुएट भी जो है बीकॉम वाले लोग हैं, उन लोग वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छा रिक्रूटमेंट निकला है, जो भी आईटीआई वाले फ्रेंड्स हैं लगभग हर सारे आईटीआई में ब्रांच में, डीजल मैकेनिक में 9 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन में, मैकेनिज्म में, वेल्डर में, इलेक्ट्रिशियन में, इस सारे में काफी सारे रिक्रूटमेंट है, आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और है एक ट्रेनिंग स्टोर्स का भी रिक्रूटमेंट है, जिसमें इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपने एग्रीकल्चर से या मैकेनिकल से कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई कर रखा है उस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, यहाँ भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ऑफिस मैनेजमेंट से, जरूर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में बीएससी वगैरह मांगा गया है, बीकॉम के लिए भी काफ़, मतलब जनरली कहा जाए तो हर टाइप के पढ़ाई जो अगर आपने किया है, तो आपके लिए यहाँ पे जॉब निकला है इनके तरफ से।
सैलरी वगैरह काफी अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी की बात किया जाए तो काफी अच्छा सैलरी वगैरह यहाँ पे दे रखा गया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 47,000 के पर मंथ आपको सैलरी होगा, डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो है 26,114 रुपए के आसपास आपकी यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, एज लिमिट भी 27 साल मैक्सिमम सबके लिए रख, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल, डिप्लोमा के लिए 27 साल रखा गया है। और बाकी जो छूट मिलता है SC ST OBC को, 5 ईयर, 3 साल, 10 साल, ये आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। फॉर्म फीस यहाँ पे 500 रुपए है, 500 रुपए फॉर्म देकर आपको फॉर्म भरनी होगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड देन इंटरव्यू, उसके बाद ही आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम, जो एग्जाम का डेट वगैरह यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, एग्जाम कब, अगस्त 2020 में इसका एग्जाम होने का है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ये कोरोना का जो हाल चल रहा है। और ये अप्लाई का अभी लिंक आया नहीं है, तो रेगुलर आपको इनकी वेबसाइट पे आकर अप्लाई चेक करते रहना है कब अप्लाई का लिंक आया है। स्टार्टिंग डेट तो 7 तारीख से है, एंडिंग डेट नहीं दिया गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इसलिए अप्लाई लिंक भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत चेक करते रहें रेगुलर, ताकि जो जब भी अप्लाई लिंक आए तो आप तुरंत से तुरंत जाकर अप्लाई कर सकें। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कहीं डाउट वगैरह आता है तो आप सब हम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, वहाँ भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप हमें वहाँ भी DM जरूर कर सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।